हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट यूज रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 के बारे में थोड़ी सी गप्पे मारने के लिए। गाइस, अभी फिलहाल ना सभी को पॉपी प्ले टाइम 3 का इंतजार है। सो ये मॉब एंटरटेनमेंट वाले बढ़िया से टीज करते हुए क्लिप्स निकालने में लगे हैं। एक हगी वगी की फुटेज आई थी, किसी मिसी की एक फुटेज आई थी, और अभी 2-4 दिन पहले ब्रॉन की भी एक ऐसी ही VHS एनालॉग टाइप की फुटेज आई है, जिसे मैंने प्लैनेट यूजे वाले चैनल पे देखा था और हल्का फुल्का उसके बारे में गप्पे मारी थी। बट आज ना गाइस, इस वीडियो क्लिप को ना पूरा डिकोड करते हैं कि आखिर पॉपी प्ले टाइम 3 में क्या होने वाला है। बाकी गाइस, वीडियो को ना एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में ना एक सीक्रेट मैसेज है। तो गाइस यार, सबसे पहले ना इस वीडियो का थंबनेल देखो, जिसमें पकौड़े सी नाक वाला ब्रॉन दिख रहा है। बट इट सीम्स लाइक कि किसी ने ना इसे मार मार के इसकी नाक गला सब फोड़ दिया है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। अब किसने मारा, क्यों मारा, ये तो आगे पता चलेगा। फिलहाल सुनो तो इस वीडियो में ना हमें थॉमस क्लार्क नाम के एक आदमी की स्टोरी पता चलती है, जिसे प्ले टाइम कंपनी में एक्सपेरिमेंट करके ब्रॉन में कन्वर्ट कर दिया गया था। बाकी गाइस, जो ओरिजिनल वीडियो है ना, उसमें होने वाली चीज है ना थोड़ी सी ना आगे पीछे है। जैसे जो शुरू में ऑपरेशन का सीन है ना, उससे पहले ये एंड वाला सीन होता है। अरे ऐसे कैसे? अरे इस टेंशन में तुम अपने दिमाग के पकौड़े मत तलो, मैं हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा भाई कि कब क्या हुआ सब बता दूंगा। तो गाइस, ये फुटेज ना शायद से 1980s या 1990s की है, जब प्ले टाइम कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय जिसका नाम था थॉमस क्लार्क, उम्र थी 59 years, वो बंदा ना इस प्ले टाइम कंपनी में 1955 से फुल टाइम जॉब कर रहा था। अब ये मोहतरमा जो शायद से प्ले केयर वाले एरिया में साइंटिस्ट थी, मतलब जोन टॉयज पे ऑपरेशंस करती थी, ये बताती है कि इस रिकॉर्डिंग से 6 महीने पहले थॉमस भाई को पता चला कि उन्हें टर्मिनल लंग कैंसर है। मतलब दवा दुआ सबका टाइम खत्म हो चुका है, बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो 1-2 साल भी जिंदा रह पाएंगे। तो प्ले टाइम वालों ने थॉमस को बुलाया और कहा, जिंदा रहना चाहते हो? थॉमस बोला, जिंदा रहने के लिए बचा क्या है। बट फिर प्ले टाइम कंपनी वालों ने थॉमस को एक ऑफर दिया, कहा कि हम तुम पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और तुम ना कभी नहीं मरोगे। जो सुन के ना थॉमस ने वॉलंटरीली यानी अपनी इच्छा से कहा कि भाई एक्सपेरिमेंट कर दो मेरे ऊपर, मुझे जिंदा बचा दो बस। पता है उस एक्सपेरिमेंट में क्या था? उस एक्सपेरिमेंट में इंसान को यानी थॉमस को टॉय में कन्वर्ट कर दिया जाना था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1199 यानी ब्रॉन के टॉय में। उसने भी सोचा होगा, मरना तो है, इससे अच्छा खिलौना ही बन जाता हूँ। अब गाइस, इस फुटेज से ना ये तो 100% कंफर्म हो जाता है कि प्ले टाइम कंपनी में बनने वाले टॉयज इंसान ही थे, जिनकी कॉन्शियसनेस को ये लोग एक्सपेरिमेंट करके इन नए नए टॉयज में डाल देते थे। मतलब फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज की तरह भूत का आत्मा का चक्कर नहीं था इधर, इधर तो प्रॉपर पॉपी प्लांट और साइंस की बकचोदियां चल रही थी। अब गाइस यार, एक चीज मैंने तुम्हें बताई या नहीं बताई यार, पता नहीं। गाइस, प्रोजेक्ट प्ले टाइम में ना हमें एक VHS टेप मिलती है, जिसमें इधर प्ले टाइम कंपनी में एक्सपेरिमेंट करने वाले एक डॉक्टर ने बिगर बॉडीज इनिशिएटिव के बारे में बताया था, जो बेसिकली ये था कि ये लोग सोच रहे थे कि पैसे बचाने के लिए ना ये लोग ना एम्प्लॉयज को निकाल देंगे और उनके बदले बड़े बड़े टॉयज, जैसे बड़े साइज का हगी वगी, बड़े साइज की किसी मिसी, बड़ी मॉमी लॉन्ग लेग्स, ये लोग ना कंपनी में काम करेंगे। बाकी इस बिगर बॉडीज इनिशिएटिव को साइड कर दो, इसके अलावा भी ये लोग उन्हीं मैस्कट्स के छोटे साइज के टॉयज भी बना रहे थे, जिन्हें शायद से ना ये लोग बेचते थे, मतलब बेचने के मूड से बनाते थे। और थॉमस को जो इन्होंने ये वाला ब्रॉन बनाया था ना, इसे भी ना इन्होंने छोटे साइज का बनाया था। बड़ा ब्रॉन भी तो होता है पॉपी प्ले टाइम 2 में, जो रास्ता रोके हुए खड़ा होता है, जिसे क्रेन से उठा के फेंकना होता है। हाँ गाइस, बट कहीं वो भी तो जिंदा नहीं था, खाली स्टैच्यू बनने की एक्टिंग कर रहा होगा, क्या लगता है? आज का सवाल, कैप्लेरियंस के यूनिवर्स में मिस्टर मीट का असली नाम क्या है? ए जॉन मेंसन, बी जोसेफ सुलेवन, या फिर सी जेफरी मेटनी? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम करेक्ट आंसर वाले कमेंट को पिन किया जाएगा। बाकी गाइस, मैं ये सोच रहा था ना कि अब 1.5 महीने में ना पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 का ट्रेलर तो आ ही जाएगा, तो उससे पहले ना A to Z हमें जितना भी प्ले टाइम कंपनी के बारे में पता है उस पे ना मैं एक लंबी सी टाइमलाइन वाली वीडियो बनाने वाला हूँ। सो अगर चाहते हो कि वो वीडियो मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना। नाउ कमिंग बैक टू थॉमस क्लार्क, जो एक्सपेरिमेंट के बाद छुटकू साइज का ब्रॉन बन गया था। तो यार, उस साइंटिस्ट का कहना था कि ऑपरेशन के बाद उसे ना डिसोरिएंटेड सा फील हो रहा था, सर घूम रहा था बेचारे का, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन है, उसके साथ क्या हुआ। मैं जो हूँ, मैं हूँ,
या मैं भी वो नहीं हूँ जो मैं हूँ, मैं कौन हूँ? फिर गाइज उस ब्राउन बन चुके थॉमस को ना एक रूम में रख दिया जाता है जहाँ दूसरे एक्सपेरिमेंटेड टॉयज वगैरह भी रखे होते हैं। कुछ कैडबीज होती हैं, कुछ पीजे पग पिलर होते हैं, कई सारे छुटकू हग्गी वग्गी होते हैं, इवन बड़ा हग्गी वग्गी भी होता है। और ये तो शायद से कैंडी कैट लग रही है ना, बड़ी अजीब सी नहीं लग रही? अब गाइस उस साइंटिस्ट का कहना था कि बागी टॉयज ने ना भाप लिया था कि ब्रॉन ना थोड़ा सा डिफरेंट है, और जैसे ही ब्रॉन को उनके साथ रखा गया तो वो ब्रॉन पे झपट गए। गाइस वीडियो में ना हमें ब्रॉन के पर्सपेक्टिव से दिखता है, सारे टॉयज उसे घूर के देख रहे होते हैं, फिर शायद से वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये कुत्ता पिलर तो बढ़िया से जीभ लटका के लपलपाने लग जाता है। फिर गाइस सबसे पहले ना ब्रॉन के ऊपर ना ये हाथ झपटता है जो लाइक मेनी ऑफ यू सेड बॉक्सीबू का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो हाथ ना थोड़ा सा फरी सा दिख रहा था और उसके अटैक वाली आवाज से भी ऐसा लग रहा था जैसे पहले चाबी भरने की आवाज आई फिर बॉक्सीबू के जंप स्केयर की। सुनो एक बार, क्या लगता है फिर गाइस बॉक्सीबू ने अटैक किया था ये, या फिर ये कोई दूसरे टॉय का हाथ है? ना उस अटैक के बाद बाकी टॉयज भी उस ब्रॉन को पेल देते हैं, बिचारे के थायराइड लैरिंग्स सब फोड़ फाड़ के खून ही खून कर देते हैं। अब ये अच्छा होता है कि अटैक होते ही ना रिसर्च टीम वाले वहाँ ब्रॉन को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, वो ब्रॉन को अपने साथ ले जाते हैं, वरना इन टॉयज ने तो ब्रॉन को मार ही देना था। फिर गाइज ऑपरेशन टेबल पे ब्रॉन की अंतड़ियां वंतड़ियां सब सिली जाती है, उस पे सर्जरी होती है, और फाइनली 12 घंटे बाद 1199 यानी ब्रॉन थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है। देन इस बेचारे को ना उन सब टॉयज से अलग एक दूसरे रूम में रख दिया जाता है ताकि ये सेफ रहे। अरे ऐसा क्या देख दिया बाकी टॉयज ने जो इसके हड्डी पसली एक कर दी? गाइस यार शायद से ना बाकी जो टॉयज थे वो ऑर्फनेज के बच्चे थे जिन्हें जबरदस्ती टॉयज में कन्वर्ट कर दिया था, या फिर ऐसे विसल ब्लोअर्स, ऐसे जर्नलिस्ट वगैरह थे जो इस कंपनी के सीक्रेट्स ना बाहर पब्लिक करने वाले थे, सो प्ले टाइम वालों ने उन्हें पकड़ के जबरदस्ती टॉयज में कन्वर्ट कर दिया था। इसलिए ना इन सभी को प्ले टाइम कंपनी के एम्प्लॉयज से खार थी, और थॉमस भी प्ले टाइम कंपनी का एक एम्प्लॉय था, तो जैसे ही वो टॉय बन के इनके सामने आया ये उस पे झपट गए। तुम्हें क्या लगता है गाइज क्यों अटैक किया हुआ इन्होंने ब्रॉन पे? वैसे गाइज यार शायद ना पहले इन सभी टॉयज को साथ ही रखा जाता होगा, फिर ऐसे कांडों के बाद ना इन सभी को अलग अलग कमरों में रखते होंगे जैसे प्रोजेक्ट प्ले टाइम में दिख रहा था। अब गाइज यार जरा ध्यान से देखो, जब वो रिसर्च वाले ना ब्रॉन को बचाने जाते हैं तो उनके कैमरा में ना कोई दूसरा टॉय नहीं दिखता, शायद वो टॉयज ना बच्चे थे इसलिए वो डर के भाग गए। बट हमें ना किसी मिसी के पैरों की ना एक हल्की सी झलक दिखती है जो उनके पहुंचते ही भाग जाती है। तो ये किसी मिसी अच्छी तो नहीं है, बेचारे ब्रॉन की मदद करने आई होगी, पहले भी गेट खोल के मदद करती है ये। हाँ गाइस बट इस किसी मिसी के ना पैर थोड़े से ना छोटे से हैं, तो शायद से ना ये वाली किसी मिसी और वो वाली किसी मिसी ना अलग अलग होंगे, बट स्टिल इस किसी मिसी की ना कुछ तो मिस्ट्री है गाइस। वैसे गाइस यार छुटकू ब्रॉन कितना क्यूट लग रहा है, बेचारे को खाली पेल दिया, अब अकेले रहना पड़ेगा इसे। अब चलो गाइस फाइनली ना इस वीडियो के एंड में छुपे सीक्रेट मैसेज की बात करते हैं। तो यार अगर तुम वीडियो को ना ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें ना एक हाई पिच्ड साउंड सुनाई देगी। गाइस कानों को चुभने वाली ये आवाज ना एक सीक्रेट मैसेज है। कई विद्वान थ्योरिस्टों ने जब इस ऑडियो का स्पेक्ट्रोग्राम देखा ना तो उन्हें ना कुछ वियर्ड लगा, और फिर पिच वगैरह में थोड़ी सी छेड़खानी करने के बाद ये इमेज मिली। टॉप पे तो लिखा है गो टू स्लीप यानी सो जा, और नीचे ना गाइस मोस्ट प्रोबेबली वो गैस वाला मास्क है जो हमें पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 के ऑफिशियल टीजर में दिखा था। लेफ्ट साइड में शायद से उस मास्क की आग दिख रही है, और राइट साइड में एक गैस का सिलेंडर जिसका रेफरेंस ना गाइस मे बी उस सीक्रेट पॉपी गैस से है जिसे शायद ना ये लोग इंसानों को टॉयज में कन्वर्ट करने से पहले सुंगाते होंगे, फिर वो इंसान सो जाता होगा और जब उसकी आँख खुलती होगी तो वो टॉय बन चुका होता होगा। बाकी उधर जो एम्प्लॉयज वगैरह काम करते होंगे वो ये गैस मास्क पहने रहते होंगे ताकि उनके ऊपर उस गैस का असर ना हो। तो गाइस यार ये था ब्रॉन की रेस्ट्रिक्टेड रेस्टोरेशन .mp4 फुटेज का इनडेप्थ एनालिसिस। अब उम्मीद करते हैं कि पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 फटाफट आ जाए यार, ताकि पता तो चले कि आखिर इधर चल क्या रहा है। वैसे भी छुछुंदर भाई की ट्रेन प्ले केयर वाले एरिया में क्रैश हुई थी और असली मिस्ट्री तो शायद वहीं छुपी हुई है। बाकी गाइस आज की वीडियो में इतना ही, होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।